हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका मेरी छठ पूजा व्लॉग में। आज हम इस त्यौहार के बारे में जानेंगे एंड कैसे हमने ये त्यौहार सेलिब्रेट किया वो भी हम दिखाएंगे। छठ पूजा टोटल 4 दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन होता है नहा खा, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है सुबह का अर्घ। छठ पूजा की कहानी लॉर्ड सूर्य और देवी छठी मैया से जुड़ी हुई है। ये कहानी है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, जो भगवान सूर्य के भक्त थे। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा की और उनसे संतान की कामना की। भगवान सूर्य ने उनकी कामना सुनी और उन्हें एक पुत्र दिया। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसके शरीर पर एक चमकदार तिल का निशान था। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने सोचा कि यह निशान उनके पुत्र के लिए अशुभ है। तब देवी छठी मैया ने उन्हें दृश्य दिया और कहा कि यह निशान उनके पुत्र के लिए शुभ है और ये भगवान सूर्य का प्रसाद है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने देवी छठी मैया की बात मानी और अपने पुत्र को भगवान सूर्य के समर्पित कर दिया। तब से छठ पूजा मनाई जाने लगी। ये कहानी छठ पूजा के पीछे की भावना को दर्शाती है और यह बताती है कि किससे भगवान सूर्य और देवी छठी मैया ने राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को संतान दिया। इन 4 दिनों के त्यौहार में हर दिन का अपना ही एक महत्व होता है। नहा खा से एक दिन पहले हमने छठी मैया को तैयार किया। सबसे पहले उन्हें अच्छे से मिट्टी से पॉलिश किया, उसके बाद हमने उनको पेंट किया। लॉकडाउन के टाइम से हम लोग इनकी पूजा अपने घर में ही करते आ रहे हैं। हमारे घर में छठ का जो व्रत है वो मेरी मदर इन लॉ करती आ रही हैं। 14 से 15 साल हो चुका है उनको। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि इनका व्रत करते हैं, सो वो लोग भी हमारे घर पे ही आके इनकी पूजा करेंगे। आप में से जो भी बाहर जाते होंगे छठ पूजा देखने के लिए, उन्हें मालूम होगा कि वहाँ पे कितनी भीड़ होती है एंड वहाँ पे पहले से जाके अपनी जगह ग्रैब करनी होती है। इसलिए हम इनकी पूजा अपने घर पे ही कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजिली हो जाता है। सो लास्ट में मैंने इनको टचअप दिया था, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। छठ का सबसे पहला दिन होता है नहा खा, जिसमें जो व्रती होता है वह नहाने धोने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करता है सबसे पहले। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं और इसमें जो व्रती होता है वो सुबह से अपना व्रत कंटिन्यू रखता है एंड शाम में उसे गुड़ की खीर और रोटी बना के खानी होती है। तो नॉर्मली गाँव में मिट्टी के चूल्हे पर यह बनता है, बट जैसे कि यहाँ भी कोई मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो हमने एक साफ सा चूल्हा रखा है जो कि सिर्फ छठ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। छठ का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। आज के दिन प्रसाद बनता है जो कि हम सब मिलके बना रहे हैं। इसमें पूड़ी ठेकुआ वगैरह बनेगा और चढ़ेगा और संध्या अर्घ दिया जाएगा। तो वहाँ पापा तैयारी कर रहे हैं गुड़ को बारीक से बारीक करने के लिए, ताकि वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और यहाँ मम्मी और मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल ली। उसके बाद बारी आ गई ठेकुआ बनाने की। यहाँ पे आटा और गुड़ और घी मिक्स करके ठेकुआ बन रहा है और यही छठ का रियल प्रसाद होता है। छठ का ये तीसरा दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे हम संध्या अर्घ भी कहते हैं। इस दिन जो व्रती होते हैं वो डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं। शाम में बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू, पूरी और कुछ फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है और तब सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इसी दौरान सूर्य को जल और दूध चढ़ाकर प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। बाद में रात को छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और कथा सुनी जाती है। यहाँ हमारे पापा जो हैं मम्मी की हेल्प कर रहे हैं ठेकुआ तलने में, और मम्मी यहाँ पे जो ठेकुआ बना रही हैं उसको बहुत ही सुंदर शेप दे रही हैं। सारा प्रसाद रेडी होने के बाद सब लोग रेडी होके छत पे आए, क्योंकि संध्या अर्घ देना था। और उससे पहले मम्मी जो हैं छठी मैया को पूज रही हैं। Thank you.
लोग आने लगे थे। लगभग सबने डूबते सूरज को अर्घ दे दिया था एंड इसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगी थी। इसके बाद की जो विधि होती है उसे कहते हैं कोसी भरना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि होती है जो कि सूर्य को अर्घ देने के बाद कोसी भरा जाता है। यहाँ मम्मी कोसी की विधि फॉलो कर रही हैं और इसके अगल बगल अभी गन्ने लगेंगे जो कि जिनका क्रम होता है 5, 7 या 11 इस तरीके से लगाया जाता है। इस तरह से बीता हमारा तीसरा दिन और उसके बाद हमने रात में ढेर सारे खजूर बनाए और उसे तला। छठ पूजा का चौथा दिन, जिस दिन जो व्रती है वह उगते सूरज को जल देंगे, अर्घ देंगे और इसीलिए सब लोग 4 बजे के आसपास यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और इनकी पूजा आराधना कर रहे हैं और उगते सूरज का वेट कर रहे हैं।
पूजा की समाप्ति पर हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट बना सकें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।